फ्रेंड्स, आज कॉमन एरर्स के साथ फिर मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। और इन सभी कॉमन एरर्स कुछ कुछ स्पेसिफिक ग्रामेटिकल आइटम्स पर बेस्ड हैं, जैसे आर्टिकल्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं। वास्तव में ग्रामर में तो हर आइटम, हर एलिमेंट वो एक से बढ़कर एक हैं, उन पर आधारित एरर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इंटरेस्टिंग भी। और इसी माध्यम से, कॉमन एरर्स के माध्यम से, ब्लैंक्स फिलिंग के माध्यम से, हम सब्जेक्ट को, लैंग्वेज को काफ़ी इंटरटेनिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने का भी प्रयास करते हैं। क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसा चीज है जिसमें इंटरेस्ट बहुत काफ़ी मायने रखता है। इंटरेस्ट आखिर जगाए कैसे जाए, जब तक उसके रूह को हम न टटोलें। रूह से क्या मतलब है? एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति में वो सरसता, वो ल्यूसिडिटी। क्योंकि जब कभी भी हम कोई भाषा सीखते हैं, भाषा बोलते हैं, तो हमारे अंदर का एक्सप्रेशन, हमारे अंदर की एक अभिव्यक्ति, वो शब्दों का जामा पहनकर सामने वाले को अपने आप में लुभाने की कोशिश करता है, अपने तरह से आकृष्ट करने की कोशिश करता है। बशर्ते एक शिक्षक, एक ट्यूटर, एक टीचर आपके उस सोच को, आपके उस इमेजिनेटिव पावर को जागृत करे, तो जाकर आपको उस बॉटम तक, उस सोल को टच करने का, स्पर्श करने का मौका मिल पाता है। वो चीजें आपके सामने आती है एक बेनिफिट के तौर पे। सो थ्रू दिस I also try my utmost to make certain that by my every effort I bring about something like that, so that you could also feel that you have been successful in scratching at least at the heart of the language. So this is my entertaining act, this is my act which has its aim to bring about such a revolution in your mind, in the arena of the language. Because I have always been of this view that the language, if studied, if taught in a real manner, in a sincere way, under the good tutorship of a teacher, can definitely come across as the most easy thing, as the most easy means of expression. तो मैं इन्हीं चीजों के साथ, मैं इसी उद्देश्य के साथ मैं आपको इस 6 sentences में कंटेंट, उस इनकरेक्टिट्यूड को, उस एरर को सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसके जरिए न केवल आपको ग्रामेटिकल आइटम पर, ग्रामेटिकल करेक्टनेस पर एक अधिकार बनेगा, बल्कि आप इसकी सरसता को भी समझेंगे, इसकी खूबसूरती को भी समझेंगे। और विदाउट एनी ब्यूटी there is not any attraction, because attraction contains all the aspects of beauty, whether it is in terms of a language or of anything that you are in touch with in your life. To chalte hain hum pratham sentence pe. Judge in him prevailed upon the father, and he sentenced his son to death. Judge, वैसे तो ये जज आपका कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के पहले हम कोई आर्टिकल रखते हैं। हालांकि आप आर्टिकल नहीं दिए हैं, अगर इस आधार पर आप सेंटेंस को गलत मानते हैं तो वो गलत तो है। यहां मैं पहले ही आपको एक बात बता दूं, आपसे इस बात को मुखातिब करा दूं कि सेक्शन ए में ही गलती है, सेक्शन ए में ही एरर है। लेकिन इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि जज चुकी एक कॉमन नाउन है, देयर शुड बी सम आर्टिकल आइदर ए और दी। दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस, दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज गॉन रॉन्ग। दैट इज नॉट द केस। ये पार्ट जो है द जज या ए जज के चलते गलत हो गया, ये बात नहीं, क्योंकि ये कॉमन नाउन है, इस आधार पर आपको नहीं समझना है। जज के पहले हम यहां दी का प्रयोग करेंगे, इसलिए नहीं कि यह कॉमन नाउन है, बल्कि इसलिए कि यह यहां एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जा रहा है। द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर, यानी कि
उनके अंदर किसी न्यायाधीश के अंदर का जज, जज मतलब वो कोई भी चीज, कोई भी पोस्ट, कोई भी पद होता है तो उसका एक अपना एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी होता है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट दैट इज ऑल्सो ए कॉमन नाउन। बट इफ यू वॉन्ट टू यूज दिस वेरी वर्ड इन अ डिफरेंट वे लाइक दिस वन, देन द आर्टिकल द कैन बी पुट जस्ट बिफोर स्टूडेंट एंड देन इट टेंड्स टू बिहेव लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आप करने हैं, कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर का विद्यार्थी जाग जाता है जब भी मैं किताबें देखता हूं, हालांकि अब मैं विद्यार्थी नहीं रह गया हूं, अब मैं जॉब होल्डर हूं, लेकिन कभी विद्यार्थी हुआ करता था, तो उस स्थिति में आप बोलेंगे कि द स्टूडेंट इन हिम इन मी, द स्टूडेंट इन मी इज अवेकंड व्हेनेवर आई हैपन टू सी एनी बुक। ऑल्दो आई एम नो लॉन्गर ए स्टूडेंट, आई एम ए जॉब होल्डर, आई हैव बिकम ए जॉब होल्डर, बट द स्टूडेंट इन मी इज अवेकंड। इट मीन्स द क्वालिटी ऑफ ए स्टूडेंट एंड दैट इज वाई इट टेंड्स टू बिहेव लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अर्थात जब कभी भी किसी कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना चाहें तो उसके पहले आप द का प्रयोग करके उसके क्वालिटी को बदला देते हैं। जैसे ब्रदर, सिस्टर, मदर, ये सारे जो चीज हैं उनके पहले अगर दी लगा देते हैं, खास करके किसी व्यक्ति के नाम के पहले इन का प्रयोग करके, तो उस स्थिति में हो जाता है उसके अंदर का वो क्वालिटी, चाहे मातृत्व, जिसको अगर हम कहें कि द मदर इन हर हैज डाइड, उसके अंदर की माँ मर चुकी है, तो अंदर की माँ का मतलब उसके मातृत्व। सो इन दैट केस यू आर एक्सपेक्टेड टू यूज द डेफिनिट आर्टिकल जस्ट बिफोर जज वेयर इट सर्व्स एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड नॉट एज ए कॉमन नाउन, एंड दैट इज व्हाई यू डोंट हैव टू गो बाय दिस रूल दैट बिकॉज इट इज ए कॉमन नाउन देयर शुड बी एन आर्टिकल एंड दैट इज व्हाई वन शुड यूज the, but that is not the case because it is an abstract noun and you have got such and such context, you are required to use the. So, yahan par judge abstract noun ho gaya hai, the judge bane, judge ka quality uske andar ki. Second mein aate hain, 9/10 of the pillar have rotted away. Khambe ka 9/10 यानी कि 9/10 आप फ्रैक्शन जानते हैं, मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन देखते हैं, तो वहां पर आपको इस तरह की बात आती है। आपको मैं यहां 9/10 के बारे में बता रहा हूं, गलती यही है, एरर यही है, लेकिन और एक चलते चलते इस बात को मैं बता देता हूं कि जब कभी भी 1/4 की बात आए तो 1/4 होगा, लेकिन 2 से जब कभी भी कोई वर्ड आने लगता है तो 2/3 हो जाता है, 3/4 हो जाता है, सेकंड वाले को आप प्लुरल बनाएंगे तो 9 के बाद टेंस आया है बिकॉज 9 इज अ प्लुरल नंबर, 9/10। लेकिन यहां हम 9 के पहले भी द डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। द 9/10 ऑफ द फिलर हैव रॉटेड अवे। रॉटेन बी एक शब्द है, रॉटेड और रॉटन दोनों हो सकता है, यहां पर कोई एरर नहीं है, एरर है आपके फर्स्ट पार्ट में, यानी कि पिलर का 9/10 भाग सड़ चुका है। थर्ड पे आते हैं, वन मेजर रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ द टेलीविजन इज दैट मोस्ट पीपुल लाइक टू स्टे एट होम। टेलीविजन की पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण है कि अधिकांश लोग आजकल घर में ही रहना पसंद करते हैं। After work, they feel free to stay at home, they feel free to come back home instead of spending their time elsewhere outside. They come back home and like being there all day. And that is the reason why television has become so popular. मतलब यह है कि आप टेलीविजन की पॉपुलरिटी का एक बड़ा कारण यह बतलाते हैं कि लोग, अधिकांश लोग घर पर ही रहना पसंद करते हैं। Sentence in terms of grammar does not appear to have any error elsewhere, anywhere, because it is error-free expression, seemingly, लगता है कि यह error-free है, नहीं, error है, इसमें हम section
बी में दी का प्रयोग नहीं करेंगे। दी क्यों नहीं करेंगे? टेलीविजन क्या है? टेलीविजन को हम कई तरह से देखते हैं। टेलीविजन एक बॉक्स नुमा चीज है जिसमें हम बहुत काफी चीजों को देखते हैं, स्क्रीन पे, डिस्प्ले पे। वो एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के तौर पे टेलीविजन को देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप यूज करेंगे ए या डी कहीं भी। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो एक डिवाइस के तौर पे यहां कंसीडर किया गया है? नहीं, टेलीविजन एज ए डिवाइस, एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैज नॉट बिकम पॉपुलर। There is nothing like that. There is not any context like this electronic device becoming popular. Instead, the system of television whereby we could see, we could watch so many things through it, that has become popular. तो यहां जब कभी भी एक system की television की popularity, यानी कि वो television का जो system जिसमें आप देख सकते हैं सभी सामानों को, एक तरह का ये पद्धति है, एक तरह की ये व्यवस्था है। जब व्यवस्था के तौर पर टेलीविजन की बात करेंगे तो आप वहां कोई आर्टिकल नहीं देते हैं। ये यहां पर अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है। यहां पर आप ऐसा कर सकते हैं कि नॉन काउंट नाउन, नॉन काउंट नाउन आपका टेलीविजन है। एंड सो यू कैनॉट यूज एनी आर्टिकल वेदर इट इज ए ओ डी। फोर्थ, आर एफर्ट्स आर एम टू ब्रिंग अबाउट अ रिकंसिलिएशन। हमारी कोशिशें रिकंसिलिएशन, आपसी जो सद्भाव को लाने के लिए इरादित है। एम का प्रयोग हम इन्फिनेटिव के साथ करते हैं बशर्ते वो इनट्रांजिटिवली यूज हो, अर्थात सब्जेक्ट के तुरंत बाद एम का प्रयोग करें। जैसे वी एम टू डू समथिंग, वी एम टू बिकम ए डॉक्टर, एन इंजीनियर और व्हाटएवर, यहां पर वो इनट्रांजिटिवली यूज होता है। लेकिन जब किसी चीज को हम एम करते हैं, इरादित करते हैं कुछ करने के लिए, तो वहां पर आप टू का प्रयोग न करके आप सीधे यहां पर एट का प्रयोग करेंगे, एम एक्ट, और उसके बाद जब वर्ब आएगा तो वो जेरंडियम फॉर्म में आएगा। आवर एफर्ट्स आर एम एट ब्रिंगिंग अबाउट ए रिकंसिलिएशन। तो यहां पर आपको जेरंडियम एक्सप्रेशन का प्रयोग करके सेंटेंस को पूरा करना है, कंप्लीट करना है। और इसी तरह से जो है आपको जब कभी भी पैसिव वॉइस के अंतर्गत एम का प्रयोग हो तो यू कैनॉट यूज इन्फिनेटिव, instead you will have to use at soon after aim. In fact that should be in the past participle form, it should be aimed, and after at you should use the gerundial form if you have got any verb to use. जब कभी भी आपको aim का प्रयोग करना होगा passive voice में तो aimed होकर at लगाएंगे, उसके बाद verb रखने की आवश्यकता हो तो gerundial form में। Three conditions critical for growing plants are soil temperature, केमिकल बैलेंस ओ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। तीन कंडीशंस प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सॉयल टेम्परेचर, सॉयल यानी कि मिट्टी, टेम्परेचर तापमान, केमिकल बैलेंस रासायनिक संतुलन, या फिर मॉइस्चर का अमाउंट, नमी का अमाउंट। तो यहां पर एरर कहां है? थ्री कंडीशंस जो इंपॉर्टेंट है, यहां क्रिटिकल का प्रयोग नहीं करेंगे हम, बल्कि यहां प्रयोग होगा क्रूशल का। क्रूशल मींस इंपॉर्टेंट, यहां सेंस है इंपॉर्टेंट से। क्रिटिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्रिटिकल का मतलब होता है कि कोई भी चीज किसी चीज के लिए अगर आलोचनात्मक हो तो वहां पर क्रिटिकल का प्रयोग करते हैं, जिसको आप बहुत काफी ध्यान से देखते हैं कि ये क्रिटिकल कंडीशंस है, या फिर जो है स्थिति दयनीय होती है। तो यहां पर कंडीशंस कभी क्रिटिकल नहीं होगा,
अगर होता है तो वो सोचनीय है, पिटिएबल है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंस का सेंस है, महत्व का सेंस है, इसलिए आप यहां पर क्रूशल का प्रयोग करेंगे, सिग्निफिकेंट का प्रयोग करेंगे, बट यू कैन बाय नो मिस यूज क्रिटिकल। सिक्स, ऑल्दो ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड सिंसियर टू हिज डीलिंग ही ऑफन टेल्स लाइज। यद्यपि वह बहुत इंटेलिजेंट है, सिंसियर भी है, अर्थात ईमानदार भी है अपने व्यवहार में, वह अक्सर झूठ बोलते हैं। यहां अन्य चीज तो बिल्कुल ही साफ है, बिल्कुल वहां पर क्लैरिटी है, कहीं भी एरर दिख नहीं रहा है, लेकिन यूज ऑफ वर्ड्स, शब्द के जो है प्रयोग में एक एरर जरूर दिखता है, एंड दैट यू हैव टू स्पॉटलाइट। वो क्या है? सिंसियर किस लिहाज से? अपने डीलिंग्स लिहाज बतलाने के लिए हम कभी टू का प्रयोग नहीं करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन एरर यहां एक और है, और वो डीलिंग के बाद हम एस का प्रयोग करेंगे, यानी कि सेक्शन बी हैज टू एरर्स। हाउएवर इन द एग्जामिनेशन एज यू हैव टू मार्क इट आउट एज इरोनियस, दैट इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम that way in which you will have to do something like pointing out where that error lies. तो यहाँ पर section B में दो error है, आपको तो चिन्हित करना है केवल B को, उसमें एक हो, दो हो या तीन हो, section B में आपका गलती है, error है। और यहाँ आप हर बार ये देख ले, लिहाज बतलाने की बात आती है तो वहां हमेशा in का प्रयोग करते हैं, to का प्रयोग नहीं, और डीलिंग्स के साथ डीलिंग्स होता है। इनफैक्ट डीलिंग इज नॉट एनी वर्ड, डीलिंग्स इज द वर्ड, इट शुड ऑलवेज बी इन द प्लुरल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यह बात पूरी तरह समझ में आ गई, क्योंकि मैंने पूरा प्रयास किया इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, करने में ब्लो बाई ब्लो, दैट इज नॉट अट ऑल वेग, देर इज नथिंग ऑफ वैग्यूटी, सो आई थिंक इट हैज कम अक्रॉस एज प्लेन सेल। तो इस तरह से जो है आपको सब कुछ शायद समझ में आ गया होगा, चूंकि आप अभी तक कभी कोई कॉम्प्लेंट एड्रेस नहीं किए, जिससे मुझे लगता है कि मेरा यह प्रयास, मेरा यह काम काफी अच्छी तरीके से अपना रास्ता अख्तियार कर चुका है, और आपको कहीं कोई दिक्कतें नहीं पेश आ रही है। और अगले दिन फिर पेश नजर होगी एक और सेट, जिसमें कुछ और चीजें, और बल्कि मैं एक बात और कह दूं कि मैं चैप्टर वाइज कुछ चीजें देना चाहता हूं, क्योंकि ग्रामर का आत्मा आपको पकड़ना है, उसको सोल को टटोलना है, और इसी हिसाब से जो है आप आगे बढ़ेंगे। और एक बात फिर भी मैं कह देना चाहता हूं, एटलीस्ट इंग्लिश के लिहाज में, कभी यह ना सोचे कि बहुत जल्द मैं कुछ कर लूंगा, बहुत जल्द रफ्तार से कोई चीज हो सकता है, बाई स्लो डिग्रीज एवरीथिंग वुड बी रेंडर्ड पॉसिबल, बिकॉज एनीवन हु थिंक्स विद इन ए मंथ, विद इन ए फोर्टनाइट, विद इन सिक्स मंथ्स एवरीथिंग विल बी रेंडर्ड पॉसिबल, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज इवन गॉड हैड टेकन सिक्स लॉन्ग डेज इन द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड। यहां तक कि भगवान ने भी इस वर्ल्ड की रचना में पूरे 6 दिन लगाए थे अकॉर्डिंग टू द बाइबल। तो जब भगवान, जो कि सब कुछ है, मिनटों में, चंद सेकंड में सब कुछ कर सकते हैं, उन्होंने भी जब 6 दिन लगा लिया, तो फिर हम तो मानव हैं, एक उनके जर्रे के बराबर भी नहीं है। तो इसलिए आप बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से, बहुत पेशेंस के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, और आप देखते हैं, देखते रहिए, मैं कयामत तक आपके साथ रहूँगा। और इतना ही नहीं, मैं वो जलवा दिखाऊंगा जहां लगेगा इंग्लिश ए चाइल्ड्स प्ले। इसी के साथ मैं यहां यह कार्यक्रम मुलतवी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।